Hello students, how are you? Fine? Okay, I'm also fine. Now, standard 4th, subject, maths. Chapter 6, The Junk Sailor. Okay, we have already learned about this chapter, part 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Today, we have to learn here in part 7, The new method of the multiplication. Okay, in this part I have to teach some of the new method of multiplication like this. Okay, in last two parts we have already know about the method of this type of sum, but here I am giving some more sums for related this method. Okay, so we have to learn here the multiply of 2 digit with 2 digit and 3 digit with 1 digit, 3 digit with 3 digit and 2 digit with 2 digit sum. Okay students, now in this part we have to learn the कैलकुलेशन ऑफ द मल्टीप्लाई. मैंने आपको बताया इस तरह से 2 डिजिट से 2 डिजिट के सम, 3 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लाई सम एंड 1 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई सम. ये सभी तरह के सम हम सीख सकते हैं. ओके, सो आई एम हियर एक्सप्लेनिंग दिस सम एंड यू हैव टू learn with me. Okay. First sum, 37 into 18. ये जो हम पहले सीखते हैं, पहले मैं आपको वो मेथड सिखाती हूँ. सबसे पहले 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की साइन है इसके बाजू में जो जितने डिजिट है इससे एक कम करके हम 0 लिखेंगे. सो यहाँ पे 18 है तो 10. फिर हम मल्टीप्लाई के बाजू में 1 है तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 1 7, 3 1 3. ओके, सो 370. अभी बारी आएगी 8 की. 8 का मल्टीप्लाई 7 से, तो यहाँ 0 नहीं लिखना है, सीधा इसका आंसर से मल्टीप्लाई करके लिखना है. 7 8 56. तो यहाँ पे 56 के लिए 6, कैरी ओवर 5. ओके, इस तरह से अभी आगे 3 8 24 24 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29. ओके, सो अभी हमें जो इसका प्लस करना है, प्लस करके हम ये आंसर कर सकते हैं. जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर ये आया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर ये आया. ओके, सो वी हैव टू राइट हियर द आंसर. 0 + 6 = 6, 9 + 7 या फिर 7 + 9 = 16, कैरी ओवर 1, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6. तो ये है हमारा आंसर. ओके, सो दिस इज़ द ओल्ड मेथड. जो मल्टीपल की मेथड हम सीख गए हैं थर्ड में भी, तो इस तरह से हम न्यू मेथड में मल्टीप्लाई सम कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ. ओके, सी हियर द न्यू मेथड ऑफ द मल्टीपल सम, 2 डिजिट विथ 2 डिजिट. ओके, नाउ न्यू मेथड of this multiplication sum. Okay, हमने ये जो old method थी मैंने आपको बताई, अब अभी मैं new method आपको बताती हूँ maths में किस तरह से हम ये कर सकते हैं answer. यहाँ पे देखिए 37 into 18, सबसे पहले 30 के हमें part करने हैं. okay, 37 के part करने हैं तो 30 इसमें से लाएंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे. 37 मीन्स 30 + 7, तो स्लिपिंग लाइन में लिखेंगे 30 इसमें से और 7 यहाँ पे, एक बॉक्स बनाएंगे. फिर ये 7 यहाँ पे लिखा, ये 30 यहाँ पे लिखा, समझ में आ गया.
ओके नाउ 18 की बारी। तो ये जो 18 है वो हम लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन में, इसके भी हम पार्ट करेंगे। 18 के पार्ट आएंगे 10+8, मीन्स यहाँ पे 10 लिखना है और यहाँ पे 8 लिखना है। इस तरह से ये सम हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने 30 लिखा, इसका मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे। तो यहाँ से 30 यहाँ लिखेंगे और 10 को यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। ओके, इस तरह से। अभी 7 की बारी, तो यहाँ पे 7 को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। आया समझ में? जिस तरह के 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी इसका मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 0 and 0, तो 300 आया। ओके, वेरी गुड। अभी इसकी बारी 7 and 10, 7 multiply 10, दैट मीन्स 70, 70। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी जिस तरह से हमने 10 की बारी ली, उसी तरह से 8 की बारी लेंगे। किस किस के साथ? 30 की 8 के साथ और 7 की भी 8 के साथ। पहले हमने 30 का टेबल 10 से करा, 30 into 10, फिर 7 का 10 से करा, 7 into 10, इन दोनों का आंसर लिखा। आया समझ में? ओके, अभी इसकी बारी, किसकी बारी? 8 की। अभी 8 का हम मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, तो पहले 30 को नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई 8 करेंगे, हो गया। इसी तरह से 7 को नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई 8 करेंगे। क्लियरली समझना है। ओके, सो इसका मल्टीप्लाई आएगा 3 8 24, यहाँ पे लिखेंगे 24, ये 0 इसके साथ ऐड, आंसर आया 240। अभी इसका 7 6 के साथ, 7 6 8 56, 7 और 8 का मल्टीप्लाई 56। ओके, अभी ये जो आंसर आया है इसका मल्टीप्लाई का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन सब का प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आया 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300, फिर ये 240, तो यहाँ लिखेंगे 240, यहाँ पे 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 70, 56, तो यहाँ पे 56। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आंसर है मल्टीप्लाई का, इन सब का प्लस करके यहाँ लिखेंगे। अभी प्लस करेंगे, 0 0 0 6, 0 4 7 11, इवन प्लस 6 15, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों एक से है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा सम करना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, तो ये जो सम है वो आपने करे, एक सम मैंने आपको पुरानी वाली मेथड से बताया, और यही सम मैंने आपको इस तरह से पूरा किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पूरा सम करते हैं वो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, इस तरह से आप ये सम कर सकते हो। ये जो सम है 142 × 5, ये फिफ्थ सम मैं समझा रही हूँ पुरानी मेथड से। यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, इजीली कर पाओगे। 5 2 10, कैरी ओवर 1, 5 4 20 और 1 21, कैरी ओवर 2, 5 1 5 और 2 7। ओके, अब जो ये सम हम कर रहे हैं इसके बारे में मैं समझाती हूँ। यहाँ पे है 142 × 5, तो इसको हमें एक ही डिजिट बाजू में है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो आपको मालूम है कैसे करना है। 1 का 100, 4 का 40, 5 का 5, और यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली 5, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है। यहाँ पे जो 3 डिजिट था तो हमने ऐसे रखा। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे 500, 5 × 100 = 500। ओके, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। तो यहाँ पे
आ जाएगा 500। अभी 40 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 200, और 5 का 5 से आंसर करेंगे आएगा 25। सो वी हैव टू राइट हियर 2, सॉरी वी हैव टू राइट हियर 2, 2 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। ओके, सो वी हैव टू डू हियर द सम 0 0 0 1, सो 1, एंड 5 + 2 = 7, सो आंसर इज 710। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टे होम सेफ होम एंड डू द होल सॉन्ग्स केयरफुली। सी यू नेक्स्ट पीरियड। ओके।